हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अश्विनी मॉडर्न लैब में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिनी इन्वर्टर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक 1802 FX 1802 BU ट्रांजिस्टर हमको चाहिए, और एक इस प्रकार का 12012 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर चाहिए, जो कि आप कंपोनेंट की शॉप पर बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। अब इसके लिए हमको एक 1 वाट में रेजिस्टेंस चाहिए 33 ओम्स का, 1 वाट में यूज़ करना है, ध्यान दें, नहीं तो बार बार जलेगा रेजिस्टेंस। अब हमको क्या करना है, सर्किट तो बहुत ही छोटा है, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक हीट सिंक पे 1802 BU को कस लेते हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर और इमीटर में से ट्रांजिस्टर के बेस पे हमको इस रेजिस्टेंस को जोड़ देना होगा, ताकि ट्रांजिस्टर का जो बेस है और ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है, इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन कर सकें। क्योंकि ट्रांजिस्टर NPN है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी आगे की तरफ चल पाएंगे, तो इमीटर से कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इसके लिए हमको 33 ओम्स का रेजिस्टेंस को जोड़ देना होगा ट्रांजिस्टर के बेस पे। और जो ट्रांसफार्मर का दो एक लूप बन रहा है, जो ब्लैक रंग का वायर दिख रहा है, इसमें से हमको एक रेजिस्टेंस के दूसरे वाले एंड पे जोड़ देना है, और दूसरा वाला वायर जो है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जोड़ देना है। अब जो हमको एक येलो वाला वायर दिख रहा है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम ट्रांजिस्टर के इमीटर पे एक वायर जोड़ देते हैं, जिसे हम बैटरी के द्वारा नेगेटिव में देंगे। इसके लिए हम ट्रांजिस्टर के इमीटर पे एक ग्रीन रंग का वायर जोड़ दे रहे हैं। ब्लैक हमारे पास पहले से ही यूज़ हुआ है, इसलिए मैं ब्लैक में यूज़ करा। अब ट्रांसफार्मर का येलो वाला ट्रांसफार्मर का जो येलो वाला वायर है, और ट्रांजिस्टर पे जो हमने ग्रीन जोड़ा है, येलो वाला पॉजिटिव एंड ग्रीन वाला नेगेटिव हो जाएगा। और जो दो रेड वायर इधर के आउटपुट के होंगे, ये 220 वोल्ट AC सप्लाई के होंगे। ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर बन गया हमारा, 220 वोल्ट AC का। इसका फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होने वाला है, इसमें ट्रांसफार्मर में आवाज़ भी आएगी, पर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सिर्फ इन्वर्टर से मतलब है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसके आउटपुट में एक होल्डर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार का है, देख रहे हैं। इस होल्डर को हमको आउटपुट वाले में कनेक्ट कर लेना है, ताकि हम इससे आउटपुट लोड ले सकें। इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। ये हमारा जुड़ गया है। अब हम जो है इसको जोड़ लेते हैं, और हम इसको 2 एम्पीयर से लेकर 5 एम्पीयर तक इनपुट सप्लाई दे सकते हैं 12 वोल्ट में, और या फिर लैपटॉप की बैटरी 18650 को 2 हम सीरीज में करके दे सकते हैं, उस पर भी ये बढ़िया वर्क करता है। अब हम इसमें 12 वोल्ट DC सप्लाई देंगे, इस 12 वोल्ट DC सप्लाई को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इसको 12 वोल्ट का DC सप्लाई कनेक्ट करने के बाद, इसमें हमको LED की ज़रूरत होगी, पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। अब एक हमको LED की ज़रूरत होगी, जो कि इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं, ये फिलिप्स का है, आप देख सकते हैं इस पे 9 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 वाट 220 वोल्ट 230 वोल्ट लिखा है। अब हम इसको होल्डर में लगा देते हैं, और हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ताकि सप्लाई, हम 500 मिली एम्पीयर का पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, जिस पे LED तो बढ़िया जल रहा है, बट कैमरे में ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी निकल रही है, साइन वेव की फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी है, इसीलिए LED ब्लिंक करती हुई दिख रही है, पर हमको आँखों से ऐसा नहीं दिख रहा, ये कैमरे में ही सिर्फ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, आँखों से हमको एकदम सही दिख रहा है।